हेलो, माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरकार द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स ज्वेलरी और जेम्स मार्केट पे लगाया जाने वाला है टू मिसयूज मनी एंड लॉन्ड्रिंग मनी बाय दिस सेक्टर। काफ़ी मिसयूज हो रहा है, इसके तहत गवर्नमेंट कुछ रूल्स अप्लाई करने वाले हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत एक सरकार एक नई कमेटी बनाने वाली है, जिसके तहत वो 2 करोड़ से कम या उससे ज़्यादा के टर्नओवर पर नज़र रखेगी और चेक करेगी कि उनका जो इनकम टैक्स भी भर रहे हैं कि बराबर भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। तो वो हिसाब से काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं आने वाले दिनों में ज्वेलरी मार्केट में। अगर थोड़ा भी गड़बड़ी उसमें दिखाई गई तो उन्हें पेनल्टी भी लग सकती है, सज़ा भी हो सकती है। इसीलिए बराबर हिसाब किताब रखना अभी ज़रूरी है और पूरा पक्के बिल में ही करें, और ये भी ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी चीज़ें भुगतनी पड़ सकती है। द नोटिफिकेशन इशूड इन गैजेट ऑफ इंडिया ऑन 23 अगस्त को ये नोटिफिकेशन हुआ है, और ये 2 करोड़ और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर विल बी कवर्ड अंडर द एक्ट। ये एक्ट के अंदर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा के टर्नओवर के बिजनेस वालों को कवर करेगा और उन पर नज़र रखेगा, और वो प्रीवियस ईयर के टर्नओवर और इनकम टैक्स को भी चेक करेगा कि आपने बराबर भरे हैं या नहीं भरे हैं। तो नहीं भरे हैं या कुछ फॉल्ट रहेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बस इतना ही बताना था, आप सतर्क रहिए। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।